हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम सो देखिए, बेड छोड़ दिए हैं, हम उठ गए हैं और खाते बाहर में कितना अंधेरा है। इतना अंधेरा है बाहर में, निकलने वाला है। चलिए हम जाते हैं अंदर, अंशुलेश को स्कूल के लिए उठाएंगे। दरवाजा कर देते हो गया है और हम अंशुलों का ड्रेस भी प्रेस करती है, अभी प्रेस कर रहे थे। करती है, अब जाते कबूतर लोगों खाना देने। तो अभी देखिए वहां से उड़ के आ रहा है। उड़ के आके यहाँ पे अवतार पे बैठ गया। चलिए हम चल जाएं तो फिर लोग आके खा जाएगा। आ गए हम किचन में और आज हम बनाएंगे छोला। कल रात में भिगा के रखे थे, छोला बनाएंगे और रोटी। आटा तो मिला के ही रखे हैं। चलिए देरी ना करते हुए बनाते हैं अपना। खाना भी बैठा दिए हैं, चावल हो रहा है, दाल हो गया है और सब्जी भी हो गया है। तो अब हम जाते हैं नाश्ता करने। तो चलिए मैं नाश्ता करते हैं। हम रेडी हो गए हैं और अंशु रिशु भी स्कूल से आ गया है। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं, रिशु बताएगा। बाहर जा रही हैं, हमको छोड़ के। और रिशु को छोड़ के नहीं जाते, रिशु मेरा बहुत प्यारा बेटा है। रिशु को परेशानी ना, उसलिए रिशु का सारा काम हम करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं फिर स्टेशन जा रहे हैं टिकट कटवाने। तो अभी हम जा रहे टिकट लेने, क्योंकि अभी मिल जाएगा टिकट, फिर वेटिंग हो जाएगा तो फिर टिकट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पापा जा रहे हैं पटना, इसके पापा, इसके दादा दादी सब कोई। तो अभी हम और अंशु जा रहे हैं टिकट लेने। चलो अंशु के साथ जा रहे हैं, उड़ाना मत बाबू, धीरे धीरे चलना, तुम बहुत धीरे चलाते हो गाड़ी। पेन नहीं थे बेटा, पहुंच गए स्टेशन। पेन तो नहीं लाए बेटा, तुम्हारा काम सब ऐसा रहता है। नहीं भीड़ है, दो आदमी हैं। ये हम अच्छे से नहीं है बोला, टिकट हम लोग ले लिए और अब हम जा रहे हैं ऋषि के लिए आइसक्रीम लेने। तो हम लोग भी आइसक्रीम खाएंगे। हाँ अंशु ऋषु, धीरे धीरे चलाना। तो स्प्राइट ली हाथ में। छिटे दादी का आइसक्रीम दे दे। हाँ
लिए आइसक्रीम ले आए, रिशु खा लिया है, जा रहे हैं। आज हम मोमो बनाएंगे। मोमो के लिए हम रिशु को प्रॉमिस किए थे, आज बनाते हैं पनीर मोमो। देखते हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, पता नहीं कैसा बनेगा। किचन तो क्लीन है मेरा, अभी बनाते पहले मिर्ची, नहीं मिर्ची छप्पे से मिर्ची लेके आते हैं। तो सारा प्लांट सूख गया है, पहले पानी देते हैं फिर मिर्ची लेके जाते हैं। पहले सब पे पानी डाल देते हैं। एक फ्लावर है इसमें, इसका सारा पत्ता झड़ गया। मिर्ची का प्लांट भी सूख गया, पानी नहीं था इसमें, पानी नहीं दिया, आज हम आए नहीं सुबह। ये भी पता नहीं क्या हो गया, इसमें चींटी लग गया है। तो सारे पेड़ में पानी दे दिए हैं और मिर्ची भी तोड़ लिए, तो अब जाते मोमोज बनाने का तैयारी करने। तो चलिए, हम पनीर को ग्रेट कर लिए हैं, उसमें मिर्ची पाउडर दे रहे हैं, नमक दे रहे, क्योंकि रिशु बोला है ना कि उसमें उसको और कुछ नहीं, मम्मी कुछ भी मत ऐड करिए, सिर्फ पनीर भर के बनाइए, क्योंकि रिशु को ना गार्लिक पसंद नहीं है, उसको अनियन पसंद नहीं है, बस रिशु का पसंद को दिमाग में रखते हुए बनाए कि सिर्फ उसमें मिर्ची और नमक दिए। तो फिर यहाँ पे दो चम्मच मैदा ले लिए, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिए, फिर 1 टेबलस्पून नमक डाल दिए, उसके बाद उसको पूरा अच्छे से मिला के सान रहे। तो पता, जब ये बनाए ना, हमको नहीं लग रहा था कि हमसे बनेगा, तो फिर आटा को थोड़ा देर के लिए रख दिए, आटा रेडी हो गया था, फिर उसको थोड़ा सा ढाँक के रख दिए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। हमको पता लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा से बनेगा, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे और मेरे पास प्रॉपर बर्तन भी नहीं है, तो हम कढ़ाई में ही बनाए। तो कढ़ाई के नीचे एक स्टैंड दे दिए थे, उसके ऊपर एक ऐसे प्लेट दे दिए थे जिसमें हॉल बना हुआ है, उसमें हम स्टीम करे थे। तो हम फर्स्ट बार ना चाट तो ही डाल के देखे कि मतलब पहली बार में कैसा हो रहा है, कहीं चिपक ना जाए या जल ना जाए। तो बस चाट तो दिए, उसके बाद हम उसको ढाँक दिए, ऊपर से पूरा कवर कर दिए, उसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिए, और आँच को भी हम लो कर दिए मीडियम। उसके बाद 15 मिनट बाद हम एक बार चेक किए, तो बहुत परफेक्ट लग रहा था, तो हमको तो आइडिया नहीं था। तो फिर हम सोचे कि एक बार चाकू से देखते हैं, एक बार हम फिर चाकू से भी देखे, तो हाँ वो ऑलमोस्ट छो ही गया था, और देख के भी यमी लग रहा था, जैसे मार्केट में रहता है ना वैसे लग रहा था। तो मतलब चलो सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ चलो मार्केट जैसा बन रहा, और बनता है ना कुछ अच्छा, तो फर्स्ट टाइम बनाइए और कुछ अच्छा बन जाता है तो खुशी भी होता है। फिर हम सोचे कि एक बार अंशु रिशु को टेस्ट कराते हैं। तो रिशु का इस ये मोमोज, इडली, डोसा, बस रिशु को बहुत पसंद है, तो ये सब उसी के लिए बनाते हैं, क्योंकि वो ये सब खाने का उसको बहुत शौक है रिशु को। रिशु रोटी चावल उतना कम पसंद करता है, बट मोमोज, इडली, डोसा मेरे बेटा का बहुत फेवरेट है। तो हम पहले रिशु को टेस्ट कराएं, तो रिशु बोला कि हाँ मम्मी बहुत टेस्टी है। रिशु तो टेस्ट करके हमको तो बोला कि हाँ बहुत टेस्टी है। फिर अंशु आ रहा था, अंशु कुछ काम था मेरे से, फिर वो देख के ना फिर भाग गया, क्योंकि हम रिशु बार बार बोलते ना कि रिशु के लिए बनाए हैं, रिशु के लिए बनाए, तो वो थोड़ा अपसेट हो गया था। फिर हम उसको बताएं कि नहीं तुम्हारे लिए भी बनाया, तो फिर अंशु आया, टेस्ट किया, तो बोला मम्मी यम्मी बना है। अंशु मतलब बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मेरे को, हाँ मम्मी आप बहुत अच्छा बनाया है, और सबसे अच्छा चटनी बना रहा। चलिए बच्चा वालों खुश तो फिर हम भी खुश। वेलकम बैक। तो अंशु लोगों को मोमोज बना के दिए, अंशु लोगों को बहुत पसंद आया, और लोग खा लिया, अब वो लोग रोटी नहीं खाएगा। तो हम फर्स्ट टाइम बनाए थे, इतना अच्छा बनेगा पता नहीं था, तो बहुत अच्छा बना था। अंशु लोगों बहुत अच्छा बोला कि हाँ मम्मी बहुत अच्छा बना था। अब जाते हैं हम खाना खाने, और ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते थे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।